नमस्कार, मैं पिंटू सिंगिया, तो आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो सिनेमा की चकाचौंध ही भरे इस दुनिया में जोड़ियां बनती और बिगड़ती हैं। कई बार तो एक्ट्रेस अपने को एक्ट्रेस को भी दिल दे बैठते हैं। कईयों का शादी से पहले ब्रेकअप होता है तो कई शादी के बाद समय के कुछ तलाक लेते हैं। वहीं कुछ की जोड़ियां सालों साल चलती है। अपने बॉलीवुड और साउथ में देखा और सुना के स्टार ने दूसरी शादी कर ली। ऐसे में आपको भोजपुरी के उन कलाकारों के बारे में पता होना चाहिए जो पहचान के मोहताज नहीं है और उन्होंने एक नहीं बल्कि दो शादियां रसाई है। ऐसे में जानते हैं कि आखिरकार भोजपुरी सुपरस्टारों में नाम जो है वो किसका किसका है। तो पहला नाम है मनोज तिवारी का। इस लिस्ट में भोजपुरी के दमदार एक्टर और सिंगर मनोज तिवारी का नाम पहले नंबर पर है, क्योंकि वो इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं। 52 साल की उम्र में वो शादियां कर चुके हैं। एक्टर ने पहले शादी रानी तिवारी से साल 1999 में किया था। उनको एक बेटी है, उनका बेटी का नाम रीति है। वह कोरोना काल में 49 साल की उम्र में मनोज तिवारी ने दूसरी शादी सुरभि तिवारी से की थी। इनसे उनकी दो बेटियां हैं और सुरभि उनकी ही तरह पेशे से एक सिंगर भी हैं। अब बात कर लेते हैं पवन सिंह की। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपनी दो शादियां की हैं और कथित तौर पर तीन। अगर ऑफिशियली शादी की बात की जाए तो उन्होंने पहली शादी नीलम देवी से 2014 में की थी। इसके बाद एक साल बाद 2015 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद एक्टर ने 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की। अब उनसे भी रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है और दोनों तलाक को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने पवन सिंह समेत ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें मारपीट से लेकर गर्भपात करने तक के आरोप लगाए थे। गौरतलब है कि कथित तौर पर पवन की पहली शादी रीना रानी से हुई थी, जो कि एक भोजपुरी की अभिनेत्री हैं। अगले नाम की अगर मैं बात करता हूं तो वो हैं यश कुमार। भोजपुरी अभिनेता यश कुमार भी दो शादियां की हैं। पहले उन्होंने इंडस्ट्री की हॉट केक की थी। दोनों की शादी से एक बेटी अदिति सिंह भी है, लेकिन शादीशुदा होकर वो भोजपुरी की लुलिया निधि झांस को दिल दे बैठे। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे थे। इनकी शादी पिछले साल मई में हुई थी। दोनों के बीच कमाल की केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रहती है। इन्हें काफी भी पसंद किया जाता है। तो ये भोजपुरी के तीन कलाकार हैं जो एक नहीं बल्कि दो शादियां किए हुए हैं। बाकी इस पर अपना अपडेट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।